I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. क्या हुआ कुंती नंदन? ये अश्व तो यही है, कौन है ये बालक? पता नहीं, न जाने क्यों ये बालक मुझ पर क्रोधित है। आप जाइए कुंती नंदन, इस मूर्ख बालक को हम देखेंगे। रुक जाओ अर्जुन, तुम मुझसे युद्ध किए बिना नहीं जा सकते। मैं तुमसे युद्ध करने आया भी नहीं हूं। न जाने क्यों मुझको तुम पर प्यार आता है और मुझे हर पल तुमसे घृणा हो रही है। सेनापति, इस बालक पर शक्ति का प्रयोग मत करना, समझा बुझाकर यह अश्व लेकर वापस लौटाना। यह बालक क्रोधित अवश्य है, परंतु साहस और उत्साह की भी कोई कमी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसे किसी प्रकार की हानि पहुंचे। बालक, क्रोध की अग्नि पर बुद्धि का जल डाल दो। तुम इस सेना से युद्ध नहीं कर सकते। बहुत पछताओगे अर्जुन, बहुत पछताओगे। तुम अपने सैनिकों को आखिरी बार जीवित देख रहे हो। इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। बालक, अगर कुंती नंदन का आदेश ना होता तो हम तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते। देखो सेनापति, मेरा तुम्हारे साथ कोई बैर नहीं है। अच्छा होगा कि तुम अश्व को छोड़कर यहां से चले जाओ और शेष मुझ पर और अर्जुन पर छोड़ दो। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अपने सैनिकों की दशा, ये सैनिक तो अकारण ही मारे गए। नियति ने मेरे ही हाथों इनका वध लिखा था। मैं तुम्हें जीवित केवल इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम अर्जुन को जाकर मेरा संदेशा दे सको कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सत्य था। कह देना उस घमंडी से कि यदि वो स्वयं यहां रुक जाता, इस अकारण रक्तपात की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हां, उससे यह भी कहना कि यदि वो अपना शामकरण अश्व चाहता है तो स्वयं आकर यहां से ले जाए, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ।